Arun said, "You are the same Ram Narayan who won Olympic medal in 400 meter race in 1960s. Matlab, he was not able to hide his emotion in this time. At this time, he was not able to hide his emotion. Or wo कन्फर्म करना चाहते थे तरुण कि क्या ये वही राम नारायण हैं जो कि ओलंपिक मेडल जिन्होंने जीता था 400 मीटर रेस में 1960s में. एट दैट टाइम द पर्सन पैटेड एंड दिस पैट मीन्स दैट ही सेइंग यस, राइट. पैट मतलब उनके पीठ को थपथपाना और ये गेस्चर है हाँ बोलने का. उन्होंने बताया इन दिस वे ही कन्फर्म्ड दैट ही इज़ द सेम राम नारायण जिन्होंने क्या किया था, हु वन द ओलंपिक मेडल इन 400 मीटर रेस इन 1960s. तरुण वॉर डेजल. डेजल मीन्स होता है इम्प्रेस्ड एंड वो सरप्राइज्ड एज वेल शॉक्ड कि वो इतनी बड़ी पर्सनालिटी से मिल रहा है एंड द पर्सन इज सिटिंग बिसाइड हिम एट हिज लेफ्ट, राइट. अगर आपके साथ इमेजिन करिए जो आपके फेवरेट हीरोज़ होंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो मूवीज़ में हो, किसी भी फील्ड में हो, राइट, वो आपके सामने आकर खड़े हो जाएं या आपसे दो मीटर की दूरी पर भी आकर खड़े हो जाएं, एट दैट टाइम हाउ यू फील. सेम फीलिंग थी तरुण की, सेम इमोशंस उसके पास आ गए थे. ही इज़ हैविंग द सेम इमोशंस विथ हिम एंड ही वॉज टोटली शॉक्ड, वॉज टोटली सरप्राइज्ड एंड एज वेल ही वॉज टोटली इम्प्रेस्ड दैट मिस्टर राम नारायण वॉज सिटिंग बिसाइड हिम एट हिज नेक्स्ट लेफ्ट, राइट. नाउ दिस इज द टाइम ऑफ मिस्टर राम नारायण. ही अगेन सेड, आई एम लुकिंग यू सिंस पास्ट हाफ एन आवर. मैं तुम्हें आखिरी आधे घंटे से देख रहा हूँ. वॉट इज इट, विल यू टेल मी और यू वॉन्ट टू शेयर विथ मी? मिस्टर राम नारायण सेन, सन आई हैव बिन वॉचिंग यू पास्ट 45 मिनट्स, राइट. उन्होंने कहा कि सन आई हैव बिन वॉचिंग यू फॉर द पास्ट 45 मिनट्स. मैं तुम्हें लास्ट 45 मिनट से या बीते 45 मिनट से देख रहा हूँ. And I see great hope in you. और मुझे तुम्हें बहुत बड़ी आशा की किरण नज़र आ रही है. By listening this, Tarun was not able to hide his blush. इतना सुनकर वो अपने जो शर्माने की जो इमोशंस है उसको छुपा नहीं पाया और कहीं ना कहीं वो छुपा रहा की कोशिश कर रहा था, right? वो छुपाने की कोशिश कर रहा था. But Mr. Ram Narayan added on, but as I told you that I found a great hope in you, but to succeed you have to work hard, theek hai, never give up, theek hai, try until you succeed. So he added on ki the line he added on is that all you need to keep that passion burning inside you, theek hai, जो करना ये है कि आपको अपने अंदर वो पैशन को हमेशा जलाते रहना है. कीप ट्राइंग, कीप वर्किंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड नेवर गिव अप, राइट. इन दिस वे यू कैन ओनली अचीव सक्सेस. वन थिंग ही आस्क्ड दैट डिड यू जॉइन एनी ट्रेनिंग स्कूल, क्या तुमने कोई ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन की है? आंसरिंग दिस क्वेश्चन, तरुण वॉज लिटिल बिट सैड, ही वॉज डिस्ट्रेस्ड. He said, sir, I am not employed or I am unemployed. At that time, he was trying to create a scene which in which someone can laugh, right? इसमें कोई हंस सके. वो कह रहा था कि सर मैं अभी तक अनएम्प्लॉयड हूँ और इसीलिए मैं अपने लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल नहीं खोज पाया बिकॉज इट इज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है. वो इस सिचुएशन को, इस सीरियस सिचुएशन को एक कॉमिक सिचुएशन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था वो, क्योंकि थोड़ा इंट्रोवर्ट था वो. अपने इमोशंस को हाइड करते हुए कहीं ना कहीं वो जानता था दैट
there is lacking something so that he is not able to reach the path he wants to go, right? तो वो जान रहा था उस पाथ पे चलने के लिए जो थोड़े मोड़े हर्डल्स हैं वो कहीं ना कहीं उसके लिए वो थोड़ा सा परेशान था और थोड़ा सा शाय भी फील कर रहा था. तो उसको अपने उसने कॉमिक प्ले में या एक हास्य या व्यंग के रूप में झलकाते हुए उसने कहा कि सर आई एम नॉट एम्प्लॉयड और स्टिल शायद स्टिल सर आई एम अनएम्प्लॉयड. बट एट दिस टाइम सर मिस्टर राम नारायण सर वॉज डैम सीरियस. ही वॉज सीरियस एंड ही वॉन्ट्स टू नो दैट इफ ही वॉन्ट्स if he means Tarun wants to do something in this field. He added on that I can train you, right? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें train कर सकता हूँ but only in one condition. Listening this, Tarun said, condition? What condition? He was looking in so hurry and so urgency that he wants that कहीं से भी कोई मुझे training दे दे and मुझे वो path मिल जाए जिससे कि मैं कुछ कर गुजरने के लिए निकल पड़ूँ, मुझे वो रास्ता कहीं ना कहीं से मिल जाए. And in this urgency he said, condition? What condition? Now the question is, what is the condition? Mr. Ram Narayan said that on Children's Day, Mr. Ram Narayan said that there is a race organized on Children's Day at Nehru Stadium, right? You have to participate and won the race. तुमको क्या करना पड़ेगा? उस रेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और तुमको उस रेस को जीतना पड़ेगा. Then only I will train you. उसके बाद ही मैं तुमको क्या करूँगा? Train करूँगा. Here Tarun was thinking that it's not a big deal. ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. Definitely I will work hard and definitely I'll win the race. वो ही सोचने लगा कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. मैं बहुत मेहनत करूँगा, बहुत कड़ी मेहनत करूँगा and definitely I'll turn this race at my end. मैं इस रेस को अपनी ओर क्या कर लूँगा, खींच लूँगा. मैं इस रेस का विनर बनूँगा. आई विल बी द विनर ऑफ दिस रेस. बाय सेइंग नो बिग डील, अ स्टेटमेंट इज देयर दैट ही हर्ड हिमसेल्फ से विथ अ कंप्लीट कन्विक्शन. विथ अ कंप्लीट कन्विक्शन का मीनिंग होता है अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ, राइट? आगे हम बढ़ते हैं. हियर राम नारायण सेड कि नाउ दिस इज माई जॉब, दिस इज माई जॉब टू ब्रिंग और टू अरेंज अ पार्टिसिपेशन एंट्री कार्ड फॉर यू, राइट? बट फॉर दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ, ठीक है? आफ्टर नेक्स्ट 5 days आई विल मीट you here only and I will hand over you the participation card. After this he asked the name of that child, that what is your name. He stammered little bit and said, sir, Tarun. Then after a pause he said, Tarun Kapoor. So the name of child is Tarun Kapoor. Okay. Again, Ram Narayan added on ki we will meet here in the same place after 5 days and prepare yourself and remember it that you have to won this race. So children, aage dekhte hain ki what is going on in, what is going to be happen in this lesson. Let's check it out. The next day brought a new ray of hope. A new ray of hope का meaning होता है a new opportunity in someone's life. So this brings a new ray of hope in Tarun's life. He was so glad, so happy. He was so feeling so energetic. So what he does, he wake up early in the morning, he had his milk and before his mother could ask something, he just informed her and left the home. And फिर वो कहाँ चले गए? He reached Nehru Stadium to check the stadium. He reached Nehru Stadium to check the details of the race. At that time he was
हैप्पी इंडीड. इंडीड का मीनिंग होता है कि टू कन्फर्म समथिंग ऑलरेडी सजेस्टेड. व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ देयर इन द स्टेडियम ही वाज दैट मच हैप्पी दैट द फ्रेज इज रिटन हियर कि ही वाज हैप्पी इंडीड. He started the preparation. How he started the preparation? With a great zeal, mean with a great enthusiasm, bahut determination ke sath he started his kya preparation. How he prepared himself in the morning, wo kya karta tha? He wakes up early in the morning and he had his milk. After having his milk, he went to the park और वहाँ पर वो वहाँ पर उसके 10 rounds लगाता था. After that, in the evening, what he used to do? He set the clock for 1000 meter race and वो उस distance को कितने समय में cover करता है? For 5 days, he does the same practice. Actually, he want that he could make his father happy and he could make his family proud on him as well. मतलब वो चाहता ये था कि उसके फादर जो है वो खुश हो जाए उससे और उसकी फैमिली उस पर प्राउड फील करें जैसे कि वो उसके भाई पर फील करती थी. एंड ही ऑल्सो थिंक दैट ही वॉन्ट्स टू प्रूव कि ही इज़ नॉट ओनली द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, ही ऑल्सो कैन डू समथिंग बेटर. वो ये प्रूव करना चाहता था कि केवल फैमिली का ब्लैक शिप वही नहीं है बल्कि वो भी कुछ ना कुछ कर सकता है. आफ्टर 5 days, मिस्टर राम नारायण केम एंड ही हैंड ओवर द पार्टिसिपेशन कार्ड टू हूम टू तरुण एंड ही तरुण took the participation card from the hand of Mr. Ram Narayan and start gazing at that piece of paper. वो क्या करने लगा? उन्होंने तरुण ने मिस्टर राम नारायण के हाथ से वो पार्टिसिपेशन कार्ड लिया और उसको गेज करने लगा. गेज मतलब ध्यान से निहारने लगा. Because this is the time or this is the opportunity for what he was looking for, right? Because this can only help him to prove himself. क्योंकि यही वो चीज़ थी जो उसको मदद कर सकती थी so that he can prove himself and prove himself in the way that he is not only the black sheep of the family, he also can do much better like other family members. इस तरीके से वो जब उन्होंने पीस ऑफ पेपर को होल्ड किया, पार्टिसिपेशन कार्ड को होल्ड किया, तो उसमें उनको अपनी नई होप, नई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी. नाउ द डे केम ऑन 14 नवंबर एट मॉर्निंग. तरुण वेक्ड अप एंड आफ्टर हिज डेली रूटीन ही टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ हिज मदर. वो अपने माँ के आशीर्वाद लिए, उनके चरणों को छुआ एंड देन ही लेफ्ट फॉर द स्टेडियम. वो कहाँ चले गए? स्टेडियम चले गए. नाउ देयर ही फाउंड अ लॉट ऑफ पीपल, राइट? अ ग्रेट मॉब वाज देयर, राइट? तो समवेयर पार्टिसिपेंट्स एंड समवेयर द ऑडियंस. देन ही टर्न ओवर द पार्ट वेयर it is written participants only. Now and then he turned over the area where it is written participants only. फिर वो उस तरफ turn हो गया जहाँ पर लिखा था केवल participants यहाँ पर आ सकते हैं. Now when he reached the place, he was full of energy and he want to won the race and he was determined to win the race. He saw that 50 of the other runners were there who was waiting to start the race and they are also determined to win the race. Now let's check it out what happened next in the race. Does Tarun won the race or what happened next in the race? We'll find out further in the story. Before the race started, he found that someone patted
on his shoulder. And when he turned, he found Mr. Ramnarayan was there. Mr. Ramnarayan said, "All the best, my son." उन्होंने क्या किया, तरुण को विश किया कि आप बहुत अच्छा करो, ऑल द बेस्ट. ठीक है, नाउ द स्टोरी मूव फॉरवर्ड. नाउ व्हाट हैपेंड, ऑल द पार्टिसिपेंट लाइंड अप, राइट, एंड दे ऑल आर फीलिंग, दे ऑल आर डिटरमाइंड टू वन द रेस, राइट. एंड व्हेन दे लाइंड अप, दे फाउंड देयर फैमिली मेंबर्स वेर देयर टू चीयर फॉर देम. And just because of this, their confidence were high. Tarun was also there, who found her mother there at stadium. And at that time, he was little bit surprised and happy too. By seeing his mother, his fear is converted into confidence. जब उसने अपनी माँ को देखा, वो थोड़ा सा सरप्राइज भी था, थोड़ा शॉक भी था, बट खुश भी था. और जैसे ही उसने अपनी माँ को देखा, उसका जो डर था वो कहीं ना कहीं जो है एक कॉन्फिडेंस में बदल गया था. नाउ द विसल ब्लूड, विसल ब्लूड का मतलब होता है सीटी का बजना, सीटी बजी एंड ऑल स्टार्टेड ऑफ, राइट, विथ फुल देयर एंथुसियाज्म एंड ज़ील. सब जितने भी खिलाड़ी थे, जितने भी पार्टिसिपेंट्स वर देयर, दे स्टार्टेड टू रन, ठीक है, विद देयर ऑल स्ट्रेंथ, जितना भी स्ट्रेंथ था उनके पास, सबको लेकर के वो लोग दौड़ पड़े. एंड तरुण वॉज द वन हु वॉज हेडिंग ऑल ऑफ देम. तरुण ही एक ऐसा बच्चा था जो सारे बच्चों में सबसे आगे था. When Tarun found himself that he is heading everyone, at that time he felt proud of himself. उस समय उसे खुद पर बहुत अच्छा महसूस होने लगा और proud feel होने लगा. But after some time, the things happened which was not imaginable, and Tarun was never imagined about this. Because he found himself that he is heading everyone, वो सबसे आगे है. At that time he was running. There is a shallow path there, right? वहाँ पे कुछ सकरा सा रास्ता था और मे बी शायद जहाँ पे दौड़ रहे थे वहाँ पे ऐसी जो पाथ था बहुत अच्छा नहीं था, हो सकता है थोड़ा कीचड़ भी हो, तो वहाँ पे शैलो पाथ था, सकरा पाथ था और शायद उस थोड़ी जर्जर भी था. And it was not in good condition too. As he was heading everyone and he was the first person to cross that shallow path, he fell down, right? दौड़ते दौड़ते वो गिर गया. But he get up quickly as he found that 2 to 3 children or participants are crossing him. He get up quickly and started running again. After running, he crossed those children. Again he was heading the team or heading other participants. Now again he fell down just because of things, I don't know, just because of different things, or ho sakta hai unke pairon mein moch aa gayi or whatever happened, again he fell down. This time again he gathered his all confidence and then stood again when he found that there are so many participants who crossed him. Again he started with his full determination, complete determination and full enthusiasm. But this was the hard luck that after some time again he fell down. And that is the time when he found that now he is not going to win this race. Because most of the participants crossed him. From somewhere he heard that the person is screaming, "Tarun, come on Tarun, run!" And the person was Mr. Ramnarayan.
वो व्यक्ति कौन थे? मिस्टर राम नारायण, जो उसको चेरक कर रहे थे और उनको चिल्ला रहे थे कि तरुण उठो दौड़ो। ही गैदर्ड हिज होल कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ एंड विथ हिज फुल स्ट्रेंथ अगेन ही स्टार्टेड रनिंग एंड ही वॉज द लास्ट चाइल्ड हु एंडेड अप विद दिस रेस। द ऑडियंस वर चेयरिंग फॉर द चाइल्ड पवन, नेम्ड पवन, हु स्टूड फर्स्ट और हु वन द रेस। बट मोर देन दैट दे वेर चेयरिंग फॉर तरुण। अ बिग अप्लॉज वॉज हर्ड बाय हिज नेम। द ऑडियंस वेर चेयरिंग फॉर हिज डिटर्मिनेशन, फॉर हिज जील, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दैट हिज वेलोर फॉर नेवर गिविंग अप। वेलोर मतलब होता है कि उसकी जो इच्छा शक्ति थी कि वो हारना नहीं चाहता है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द ऑडियंस फॉर चेयरिंग फॉर हिम। ही स्टूड अप एंड फेल्ट सो शाई एंड कम इन फ्रंट ऑफ मिस्टर राम नारायण एंड सेड विथ अ शाई फेस, सर सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, आई लॉस्ट द रेस, मैं रेस हार गया, नाउ आई एम नॉट एबल टू टेक ट्रेनिंग फ्रॉम यू। उसने ऐसा कहा कि अब मैं आपसे ट्रेनिंग नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मैंने रेस हार ली है कंडीशन के मुताबिक, राइट, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। बट मिस्टर राम नारायण पैटेड ऑन हिज शोल्डर एंड सेड अगेन, फॉर मी यू आर द विनर बिकॉज यू वन द रेस ऑफ लाइफ। जितनी बार तुम गिरे, यू टुक योर सेल्फ विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड गैदर योर ऑल स्ट्रेंथ यू आर हैविंग एंड स्टार्टेड, ऑलवेज स्टार्टेड अ फ्रेश रन, ऑलवेज रन विथ अ, ऑलवेज बिगिन विथ अ फ्रेश स्टार्ट। थ्री टाइम्स यू फेल डाउन बट स्टिल योर वेलोर डजंट नेवर गिव अप। योर वेलोर ऑफ रनिंग, वेलोर फॉर नेवर गिव अप टच्ड मी। तुम्हारी जो ये हार न मानने वाली बात थी, इसने मुझे टच कर लिया, मेरे दिल को छू लिया। एंड फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग यू आर गोइंग टू हैव योर ट्रेनिंग सेशंस, सो गेट रेडी फॉर योर ट्रेनिंग सेशन। यू आर द रियल हीरो फॉर मी। तरुण वॉज सो हैप्पी बाय लिसनिंग दिस। ही लुक्ड एट हिज मदर, हिज मदर टुक हिम इन हिज आर्म्स एंड सेड, यू आर द बेस्ट सन ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड इन दिस वे वी एंडेड अप दिस स्टोरी।